देखिए जब भी कोई एंजाइम वर्क कर रहा है ठीक है किसी भी रिएक्शन में जब कोई एंजाइम वर्क कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बना रहा है सबस्ट्रेट के साथ अब मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो या तो यूज कर लिए जाते हैं या स्टोर कर लिए जाते हैं अगर यूज करने के बाद और स्टोर करने के बाद भी उनका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है ठीक है अगर बहुत ज्यादा एक्सेस uh, में अमाउंट प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है अपने आप सेल को फीडबैक मिला कि जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो एक्सेस में बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है चलिए पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में एंजाइम जो है वो खुद को रेगुलेट करते हैं उनके रेगुलेटर क्या होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे बट सिंपली मैं अभी एक मैकेनिज्म बता रहा हूं कि फीडबैक क्या है फीडबैक गया पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक जाने पर एंजाइम का जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव होता है यानी एंजाइम अपनी एक्टिविटी को सप्रेस कर लेगा क्यों सप्रेस करेगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा था ठीक है तो ज्यादा भी कोई चीज ना बने इसलिए एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी को सप्रेस कर लिया कभी कभी क्या होता है देखिए मैक्सिमम केसेस में यही होता है नेगेटिव सप्रेशन ही होता है इसीलिए फीडबैक इनिबिशन बोलते हैं कि एंजाइम ने अपने आप को इनिबिट कर लिया अकॉर्डिंग टू दी फीडबैक अगर प्रोडक्ट कम बन रहा है अगर प्रोडक्ट कम बन रहा है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से तो फीडबैक जाता है नेगेटिव कि भाई नेगेटिव फीडबैक फीडबैक है प्लीज प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स अब एंजाइम ने तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से ही प्रोडक्ट बनाए थे तो एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए कोई और सब्सटेंस मॉड्यूलेटर और वो भी पॉजिटिव मॉड्यूलेटर अगर आते हैं तो वो हो सकता है एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाए और प्रोडक्ट ज्यादा बने तो ये केस रेयर है ये कम देखने को मिलता है ये केस कि एंजाइम खुद को पॉजिटिवली रेगुलेट कर पाए अदर देन दी एक्सटर्नल सोर्स नेगेटिवली तो रेगुलेट कर पाता है क्योंकि उनके नेगेटिव सोर्स खुद ही प्रोडक्ट होता है ठीक है खुद प्रोडक्ट उसको नेगेटिव सिग्नल भेजता है कि आप एक्टिविटी को सप्रेस करें और वो उसको हेल्प भी करता है यानी या तो प्रोडक्ट चाहेगा कि एंजाइम इनहिबिट हो तो एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो इनहिबिटर है वो खुद प्रोडक्ट होते हैं ठीक है काइंड ऑफ एग्जांपल जो अभी हमने एलेन में डिस्कस किया था उस तरह का हालांकि वो नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जांपल था तो नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलता है सॉरी पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव सप्रेशन देखने को मिलता है इसको फीडबैक इनिबिशन कहते हैं कि फीडबैक के अकॉर्डिंग एंजाइम ने खुद को इनिबिट किया है सो दिस इज इज द थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन कॉल्ड फीडबैक सॉरी फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनिबिशन तो होता क्या है जनरली लिख देता हूं स्टेटमेंट व्हेन द एंड प्रोडक्ट व्हेन द एंड प्रोडक्ट Itself binds to the allosteric site of their first enzyme. When the end product itself binds to the allosteric sites of their first enzyme and thus affecting the activity of enzyme देखिए जो खुद एंड प्रोडक्ट है क्योंकि एंड प्रोडक्ट से ही फीडबैक आ रहा है 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 क्या वो है, क्या वो वो ज्यादा कम है, अगर एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है तो एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए खुद एंड प्रोडक्ट ही उसका उसके इनहिबिटर की तरह काम करता है और उसके एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड करता है मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही थी जहां तीन एंजाइम लग रहे थे ये था ई इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हुआ ठीक है तो इन्होंने बनाया प्रोडक्ट वन पहला प्रोडक्ट बनाया इन्होंने बना थर्ड एंजाइम आया और उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया हमारा मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड या कुछ भी हो सकता है इमेजिनरी ठीक है अब एक्स वाई जेड जो है हमारा बहुत ज्यादा बन रहा है एक्सेस में बन रहा है तो ये प्रोडक्ट ही चाहेगा कि पहला एंजाइम ई

ये कहलाता है फीडबैक इनिबिशन एग्जाम्पल से समझते हैं एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई कोलाई एक बैक्टीरिया है ठीक है ई e. कोलाई के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है आइसोल्यूसिन। ये बनता है थ्रियोनिन से तो पहला सबस्ट्रेट है थ्रियोनिन। ठीक है थ्रियोनियन पर एक एंजाइम वर्क करता है ये टोटल पांच स्टेप में कंप्लीट होता है फाइव इंटरमीडिएट्स बनते हैं थ्रियोनियन पर एक एंजाइम वर्क करता है थ्रियोनियन डी एन डी एमिनेज थ्रियोनियन डी एमिनेज ये एंजाइम है एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो एक प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट बनता है एल्फा कीटो ब्यूटरेट ठीक है एल्फा कीटोब्यूटरेट uh, से एक और प्रोडक्ट बनता है देखिए ये प्रोडक्ट वन था तो प्रोडक्ट टू बनेगा फिर प्रोडक्ट थ्री बनता है फिर प्रोडक्ट फोर बनता है और फिर फाइनली प्रोडक्ट जो कि आइसोल्यूसिन है है फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट हर एक के लिए अब इसके लिए ये सबस्ट्रेट हो गया तो यहां एक एंजाइम वर्क करेगा ये ई वन है यहाँ ई टू वर्क करेगा भाई पहला एंजाइम थ्री डी एमिनेज उससे पहला प्रोडक्ट बन गया एल्फा कीटोब्यूटरेट ये इंटरमीडिएट है इस पर ई टू वर्क करेगा तो प्रोडक्ट टू बन गया प्रोडक्ट टू पर इ थ्री एंजाइम वर्क करेगा तो प्रोडक्ट थ्री बन गया P3 पर एंजाइम फोर वर्क करेगा तो प्रोडक्ट फोर बन गया और प्रोडक्ट फोर पर एंजाइम फाइव वर्क करेगा तो फाइनली आइसोल्यूक्सिन बन गया पांच एंजाइम लगे पांच ही प्रोडक्ट बने इंटरमीडिएट तीन इंटरमीडिएट एक सबस्ट्रेट uh, और एक फाइनल प्रोडक्ट ठीक है तो अब देखिए क्या होता है आइसोल्यूसिन अगर बहुत ज्यादा बन गया ये एक्सेस अमाउंट में है तो पॉजिटिव फीडबैक है अब आइसोल्यूशन जो है उसका वर्क कंप्लीटेड है एक्सेस जो है वो अच्छा नहीं है तो एक्सेस आइसोल्यूशन ना बने इसके लिए क्या है अब जो है फीडबैक गया फीडबैक गया फर्स्ट एंजाइम के पास कैसे गया फीडबैक फर्स्ट एंजाइम के पास कि फर्स्ट एंजाइम की ये एक्टिव साइट थी ठीक है यहां मान लीजिए ये बाइंड था सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट क्या है हमारा थ्री ओनियन

ठीक है, देखिए इस एंजाइम को इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए एटीपी भी चाहिए और कोई भी शेप दिखा सकते हैं क्योंकि हम फिट मॉडल को मानते हैं करेक्ट और है भी वही करेक्ट तो इससे ग्लूकोज है ठीक है यहाँ एटीपी जो है एक तरह से कोफैक्टर की तरह काम कर रहे हैं एटीपी भी यहाँ चाहिए जिसका फॉस्फेट ग्रुप डोनेट होता है

या ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बाइंड कर गया तो ये इसका इनहिबिटर है इस एंजाइम का अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज सिक्सफेट जब बन रहा था यानी एंजाइम जब वर्क कर रहा था अगर इसमें आप डाल दे बाहर से तो ग्लूकोज सिक्सफेट नहीं बनेगा यानी इस एंजाइम का इनहिबिटर खुद कौन है ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट है तो ज्यादा बनते ही अपने आप को ये इनहिबिट करने लगता है एटीपी भी इसके इनहिबिटर है दो देखिए चाहिए एटीपी चाहिए इस रिएक्शन के लिए लेकिन अगर बहुत एक्सेस में एटीपी है तो भी ये रिएक्शन जो है वो इनहिबिट होती है तो खुद एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो फीडबैक इनिबिशन में ग्लूकोज तो तो सिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और यही सेल चाहती है बेनिफिशियल वे में क्योंकि ग्लूकोज सिक्स पोर्सेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में हो चुका ना तो उसका हो रहा है ब्रेकडाउन ना ही अब उसका क्या हो रहा है स्टोरेज हो रहा है सो दिस इज फीडबैक इनिबिशन

are called regulatory sites the sites for attachment of the chemical compounds or the functional groups other than the active site are called regulatory sites and they may vary from one to many ek hi enzyme par ek hi tarah ki regulatory sites nahi hote बहुत तरह के regulatory sites हो सकते हैं और generally इनका number बहुत ज्यादा vary करता है एक एंजाइम पर 10, 20 या hundreds तक भी regulatory sites हो सकते हैं टरी साइट कुछ इनिबिटरी हो सकती है कुछ आपके एक्टिवेटर हो सकते हैं इन रेगुलेटरी साइट्स को एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं सो द एंजाइम्स विच आर प्रोसेसिंग और हैविंग द एलोस्टेरिक साइट आर कोल्ड एलोस्टेरिक एनजाइम्स और वाइस वर्सा द एलोस्टेरिक एनजाइम्स आर दो एनजाइम्सिंग दलोस्टेरिक साइट और रेगुलेटरी साइट्स एक्टिव साइट साइट बनी बनी थी से से ही रेगुलेटरी भी से बनी है क्योंकि एंजाइम जो है वो एसिड से ही बना है क्योंकि उसका प्रोटीन नेचर है तो ये वो साइट है जहां सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं करेगा ठीक है जहां पर कोई अदर सब्सटेंस बाइंड करेगा जिसको हम क्या कहते हैं मोडिलेटर कहते हैं मेनली ठीक है तो ये भी रिवर्सिबल रेगुलेशन है ये भी रिवर्सिबल रेगुलेशन है बिकॉज जो भी रेगुलेटरी साइट पर आकर चीजें बाइंड करती हैं ठीक है एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट पर जो भी चीज आकर बाइंड करती हैं वो बाइंड करती हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से एक तरह के स्विच की तरह काम कर सकते हैं मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई एक्टिवेटर है अभी हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर क्या है इनिवेटर क्या है ये कोई एंजाइम था ये उसका सबस्ट्रेट है ईएस कॉम्प्लेक्स तो बन गया अभी भी ये एंजाइम वर्क करके नहीं दे रहा हो सकता है इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है है इसको एक्टिवेटर एक्टिवेटर भी चाहिए सपोज इसका एक्टिवेटर है एक्स, एक्स आया और अटैच हो गया इस रेगुलेटरी साइट पर जैसे ही एक्स आया ये स्विच है ये एंजाइम तुरंत ऑन हो गया एक्टिवेट हो गया और ये अपना काम करने लगा फिर किसी कारण की वजह से या क्योंकि नॉन कॉम्वलेंट बॉन्डिंग थी रेगुलेटरी साइट पर रे, मोड्यूलेटर की नॉन कॉम्वलेंट या वीक बॉन्डिंग थी एक्स हट गया

तो ये चेंज परमानेंट नहीं है जैसे ही एक्स तुरंत हटेगा तो दोबारा से एंजाइम अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा या वो दोबारा से उतने ही प्रोडक्ट बनाने लगेगा जितना पहले नॉर्मली वो बना रहा था तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिवर्सिबल रेगुलेशन है है जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन रेगुलेशन होते हैं वो रिवर्सिबल बिकॉज द मॉड्यूलेटर विच कम्स एट द रेगुलेटरी साइट दैट बाइंड नॉन कॉवलेंटली नॉन साइटेंटली बॉन्डिंग करता है वीक बॉन्डिंग करता है तो ये तो बात हो गई साइट के बारे में चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं ठीक है और इस फिनोमिना को एलोस्टेरिक ट्रांजिशन बोलते हैं जो आपका अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि चेंज ला देते हैं इसमें ठीक है इसको एलोस्टेरिक ट्रांजिशन बोलते हैं

रेगुलेटरी साइट उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, ठीक है मॉड्यूलेटर है वो एक तरह का मॉड्यूलेटर दोनों चीजें हो सकती है मॉड्यूलेटर पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं मॉड्यूलेटर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं यानी मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर भी हो सकते हैं एंजाइम के और मॉड्यूलेटर इनिबेटर भी हो सकते हैं ज्यादातर मॉड्यूलेटर इनिबिटर ही होते हैं एक्टिवेटर कम होते हैं ठीक है ठीके? देखिए काम कैसे करता है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर सेम वही नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन बताया था वो इसी पर बेस होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन पर ही बेस है मान लीजिए कोई मॉड्यूलेटर इनिबीटर है ठीक है तो वो क्या करेंगे सपोज uh, यहां आए आई दिस इज इनिबिटर अब एंजाइम कॉन्फिग्रेशन चेंज कर लेगा अपने अंदर और इनिबिटर के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेगा लेट्स से दिस इज एंजाइम नाउ तो सबस्ट्रेट बेचारा फ्री हो गया

बट रेगुलेटरी साइट से जो एक्टिवेटर है वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को और प्रमोट करता है यानी जरूरी नहीं कॉन्फिगरेशनल चेंज लाए इनिबिटर हमेशा क्या लाते हैं कॉन्फिगरेशनल चेंज लाते हैं ठीक है तो वही नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन या इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरह है। जैसे मॉड्यूलेटर आकर बाइंड करता है तो एंजाइम के अंदर कॉन्फिगरेशनल चेंज आ जाते हैं कॉन्फिगरेशनल चेंज इन एंजाइम्स तो मॉड्यूलेटर दोनों तरह का हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक्टिवेटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करेगा और नेगेटिव है तो इनिबेटर कहलाता है ठीक है इस केस में साइट्स के नाम भी हम बदल सकते हैं रेगुलेटरी साइट या एलोस्टेरिक साइट को फिर हम पर्टिकुलरली हम उसको इनिबिटरी साइट अगर इनिबिटर के साथ बाइंड कर रहा है ठीक है या एक्टिवेटर साइट बोल सकते हैं तो ये अलग अलग नाम है बाकी मेन इसको एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट ही बोला जाता है आप जो है स्पेसिफाई स्पेसिफाई भी कर सकते हैं क्या रेगुलेटरी साइट एक इनिबेटरी साइट है क्या रेगुलेटरी साइट एक एक्टिवेटरी एक एक साइट है जो मॉड्यूलेटर होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं होमोमोर्फिक भी और हेट्रोमॉर्फिक भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझेंगे मॉड्यूलेटर दोनों तरह के हो सकते हैं होमोमॉर्फिक भी और हेट्रोमॉर्फिक भी होमोमोर्फिक का मतलब है सेम एज सबस्ट्रेट देखिए एलोस्टेरिक रेगुलेशन ही बेस है सारे रेगुलेशन का एक तरह से अगर आप अब देखेंगे तो एग्जाम्पल से क्योंकि यही रियल रेगुलेशन है एलोस्टेरिक रेगुलेशन अगर इनिबिट्री है तो उनको हम इनिबिशन में पढ़ते हैं जैसे नॉन कॉम्पिटेटिव या फीडबैक इनिबिशन लॉक एंड की मॉडल इस पर बेस नहीं है तो वो उसका बेस ये नहीं है क्योंकि वहां केवल एक एक्टिव साइट ही मानी जाती है वहां एलोस्टेरिक साइट का जिक्र नहीं आता

तो उस केस में मॉड्यूलेटर को हम होमोमॉर्फिक कहेंगे होमोमॉर्फिक का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ही है खुद सबस्ट्रेट भी इनिबिट कर सकता है ऐसा एग्जांपल मैंने आपको अभी फीडबैक इनिबिशन में बताया भी है ठीक है वहां सॉरी वहां प्रोडक्ट करता था यहाँ सबस्ट्रेट करेगा नॉट लाइक फीडबैक इनिबिशन पार्डन दिस थिंग यहाँ सबस्ट्रेट जो होते हैं मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेट है एक्स वाई जेड ये जब बाइंड कर रहा था ये एस कॉम्प्लेक्स बना रहा था अगर ये एक्सेस में है तो ये जाकर रेगुलेटरी साइड पर भी बाइंड कर लेता है और रेगुलेटरी साइड पर बाइंड करने पर दो प्रोबेबिलिटीज होंगी या तो इस एस कॉम्प्लेक्स को और प्रमोट करके ये ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा या ये इनिबिशन करके प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा तो अगर मॉड्यूलेटर खुद सबस्ट्रेट ही है मॉड्यूलेटर भी सब्सट्रेट यानी एक्टिव साइट पर भी सब्सट्रेट बाइंड कर रहा है और रेगुलेटरी साइट पर भी सब्सट्रेट बाइंड कर रहा है तो वो होमोमोर्फिक होते हैं अगर डिफरेंट है सब्सट्रेट्स है यानी सब्सट्रेट कोई अलग कंपाउंड है और जो इनिबिटर आया है वो अलग कंपाउंड है तो वो कहलाते हैं हेट्रोमोर्फिक मॉड्यूलेटर्स ठीक है सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग सो देखिए जनरली होता क्या है कोई भी अगर एंजाइम हो

एक्टिवेटर साइट भी हो सकती है इसी पर मान लीजिए यहाँ एक और साइट थी एक्टिवेटर साइट ये साइट यहां अब आकर एक्टिवेटर अटैच हो गया ठीक है अब इनिवेटर को हम रिमूव कर देते हैं रेगुलेटरी साइट पर क्या है अब एक्टिवेटर आया है या यहीं पर हम दिखा देते हैं कि ये एक्टिवेटर है ग्रीन में अब इस ट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है वो दोनों तरीके से बढ़ सकती है ये 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 एंजाइम चेंज कर भी लेगा तो एक्टिवेटर हो हो सकता है से बेहतर यानी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जनरेट करे और एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा लोअर करके फास्ट टर्म क्योंकि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी उतनी फास्ट होगी रिएक्शन मैंने बताया था तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज ला भी करा सकता है प्रोडक्ट को या सबस्टेट को यहीं अटैच रहने देगा और खुद इस साइट की वजह से भी ये रेगुलेट करता रहेगा प्रोडक्ट को यानी एक तरह से दो एक्टिव साइट्स का काम करेंगे और दोनों से जो एनर्जी जनरेट होगी उसकी वजह से प्रोडक्ट बनेंगे तो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं और इनहिबिटर भी हो सकते हैं दोनों तरह के क्या हो सकते हैं मोड्यूलेटर हो सकते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन दो टाइप का होता है वो हम मॉड्युलेश की बात कर रहे थे वो तो मॉड्यूलेटर की हमने बात करी पॉजिटिव है नेगेटिव है होमोमोर्फिक है एट्रोमोर्फिक है ठीक है साइट्स की बात करी अभी तक हमने खुद एलोस्टेरिक रेगुलेशन दो तरीके का होता है एक होता है रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग के थ्रू जो जस्ट अभी मैंने पूरा डिस्कस किया है रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग के थ्रू यानी मॉड्यूलेटर्स जब बाइंड करके किसी एंजाइम पर कोई मॉड्यूलेटर कोई कंपाउंड आएगा वो चाहे खुद सबस्ट्रेट हो या कोई भी हो होमोमोर्फिक हो ऐट्रोमिक हो वो आकर एंजाइम को रेगुलेट करेगा और वो रिवर्सिबल रेगुलेशन है यानी वो परमानेंट चेंज नहीं ला सकता और नॉन कोवलेंट बाइंडिंग के थ्रू सेकंड टाइप ऑफ एलोस्टेडिक रेगुलेशन जो होते हैं वो भी रिवर्सिबल ही होते हैं लेकिन रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन होते हैं ध्यान से समझिए फर्स्ट हमने डिस्कस किया है जो कि ओरिजिनल है जो सारा हमने अभी तक पढ़ा है रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग मॉड्यूलेटर रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग एलोस्टेरिक रेगुलेशन वहां पर मॉड्यूलेटर आएगा कोई कंपाउंड ठीक है और वो क्या करेगा रेगुलेट करेगा यानी बाहर से किसी हमें कंपाउंड की जरूरत है और हमें एलोस्टेरिक साइट की जरूरत है दोनों की जरूरत है रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम है ठीक है इसकी एलोस्टेरिक साइट को ही मॉडिफाई कर दिया गया है किसी भी फिनोमिना के थ्रू फिनोमिना जैसे फॉस्ेशन ठीक है जैसे कि राइबोसाइलेशन तो इस तरह से किसी फिनोमिना के थ्रू जो एलोस्टेरिक साइट है इसको ही मॉडिफाई कर दिया गया है और यह भी रिवर्सिबल चेंज है अब एलोस्टेरिक साइट मॉडिफाई होने की वजह से प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन पर या एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्शन आ रहा है तो यह भी एंजाइम को रेगुलेट करना ही हुआ लेकिन यहां मॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं है यहां किसी भी चेंज की वजह से जैसे फॉस्टोराइलेशन कर देने की वजह से मान लीजिए यहां पर फॉस्टोराशन कर दिया ठीक है या एक्टिव साइट का फॉस्टोराइलेशन कर दिया तो ये एंजाइम मॉडिफाई तो हो गया रेगुलेट तो हो गया और ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन ही है और है भी रिवर्सिबल लेकिन ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन है यहाँ परमानेंट चेंज आ गया एक तरह से परमानेंट नहीं कहेंगे सॉरी स्ट्रॉग चेंज आ गया यहाँ पर कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो गई तो इस तरह का भी मैकेनिज्म पाया जाता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन में और ये तो कॉमन है ही नॉन कोवलेंट बाइंडिंग जहां पर मॉड्यटर बाइंड करते हैं एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं क्विकली आपको ठीक है एक है एक एंजाइम होता ग्लाइकोजन देखिए रिवर्सिबल नॉन बाइंडिंग मॉड्यूलेटर वाले के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं मैंने बताया था ना कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव इनिबिशन या फीडबैक इनिबिशन सब एलोस्टेरिक के एग्जाम्पल हैं तो उनके तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मॉडिफिकेशन के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन के एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फ्राइलेज ठीक है ये मसल्स और लीवर में पाया जाता है ये क्या करता है ग्लाइकोजेनो कराता है आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है ठीक है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है एक ए फॉर्म ग्लाइकोजन फॉस्फ्राइलेज स्मॉल ए और एक ग्लाइकोजन फॉस्फ्राइलेज कैपिटल स्मॉल बी ये मोर एक्टिव फॉर्म है वो लेस एक्टिव फॉर्म है ठीक है तो जनरली क्या होता है इसमें दो सब यूनिट होते हैं ये एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है ग्लाइकोजन फॉस्टराइड जिसकी दो सब यूनिट है दोनों सब यूनिट का जो सेन अमाइनो एसिड है सेन ठीक है सेरीन अमाइनो एसिड जो है उसको फॉस्फ्राइलेट कर दिया जाए तो फॉस्टोराइलेट कर दिए जाने पर मोर एक्टिव फॉर्म चेंज हो जाती है लेस एक्टिव फॉर्म में और कम ब्रेक डाउन करेगी तो देखिए करने की वजह से ये एंजाइम रेगुलेट हो गया क्या कि मोर एक्टिव से लेस एक्टिव में चेंज हो गया कौन सा एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्टोराइलेज तो ये कहलाता है आपका रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन सो इट वॉज अबाउट द एंजाइम रेगुलेशन